आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी बिगनर सीरीज फॉलो करी होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वर्कआउट करना है, कौन सी मशीन को कैसे यूज करना है, वर्कआउट से पहले क्या खाना है, वर्कआउट के बाद क्या खाना है। अब इस सीरीज को लेवल अप करते हैं जहां पे हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे और बात करेंगे स्ट्रेंथ की, बात करेंगे स्टेमिना की। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू माय सीरीज बल्ले बल्ले बॉडी, फिटनेस और न्यूट्रिशन का तड़का विद करण त्रिवेदी। इंस्टाग्राम की रीलों में, यूट्यूब की वीडियोस में, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर देख लो, बस एक ही बात करते हैं, 3D शोल्डर। होता क्या है ये 3D शोल्डर? आप शोल्डर को किसी भी एंगल से देखोगे वो आपको ब्रॉड ही लगेगा, आगे से, पीछे से और साइड से। आज मैं आपको 3 से 4 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा कि आपको भी मिल जाएंगे ये 3D शोल्डर। आइए इस वर्कआउट से पहले लेट्स डू वार्म अप। वार्म अप में हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम एटलीस्ट 10 रेप्स करेंगे और 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप जिम में देखेंगे आपके इस तरीके का बैंड होगा। इस बैंड को आपको क्या करना है, दोनों हाथों में, रिस्ट में इस तरीके से, और अपनी एल्बोज को क्लोज टू योर बॉडी फिक्स करके आपको क्या करना है, सिंपल पुश करना है। बस शोल्डर्स को फिक्स रख के हल्का सा बाहर पुश करना है एंड देन होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5 रिलीज। इसको 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वार्म अप में आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप साइड वाला, इसी को आप होल्ड करेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अगेन यू विल पुश योर हैंड आउट, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से वापस आएगा और अगेन आपको 10 times रिपीट करना है। इससे आप क्या कर रहे हैं, अपनी मसल्स को रेडी कर रहे हैं एक एग्जॉस्टिव वर्कआउट के लिए। ब्लड रश होएगा, आपकी मसल्स वार्म अप होंगी और इंजरी के चांसेस कम होंगे। लास्ट में एक और वार्म अप मैं आपको बताता हूं। थेरा बैंड आप अपने जिम में देखिएगा, ये होगा जरूर। इसको अपने पैर से दबा लीजिए, फिक्स कर लीजिए और सिंपल अगेन होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स देन रिलीज। ये राइट का और ये लेफ्ट का। स्टार्ट करते हैं अपने 3D शोल्डर वर्कआउट से और पहली एक्सरसाइज करेंगे हम बारबेल प्रेस। इसके हम 4 सेट करेंगे, 10 से 12 रेपिटेशन मारेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इजीली आप 12 रेपिटेशन लगा रहे हैं तो अपने वेट को बढ़ाइएगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी है। अभी 5 से मारा है तो नेक्स्ट 7.5 से या फिर 10 से, ऐसे ही आपको इंक्रीज करते रहना है। जब आपसे 10 से 12 रेप निकलने मुश्किल हो जाए तो उसी वेट पर आप फिक्स करिएगा और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक आप अगेन थोड़ा सा वेट बढ़ाने की कोशिश करिएगा। स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं आपको करनी कैसे है। गाइस, हमारे 3D शोल्डर वर्कआउट की सेकंड एक्सरसाइज है डंबल साइड रेज, जिसे हम डंबल लेटरल रेज भी बोलते हैं। इसमें भी आपको 4 सेट लगाने हैं और 10 से 12 रेपिटेशन पे। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा,
कि इसमें वेट उठाना बहुत ज्यादा आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर फॉर्म में करना है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ करना है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको बॉडी को स्विंग नहीं करना है, बहुत इजीली आपको शोल्डर के दम पे हाथ को ऊपर लाना है लेटरली, और नीचे जब आप जाएंगे डंबल के वेट से नीचे नहीं आना है, आपको अपने वेट से डंबल को नीचे लाना है। आप डंबल को नीचे लाएंगे, डंबल आपके हाथों को नीचे नहीं लाएगा। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं। अब हम आ गए हैं अपने 3D शोल्डर वर्कआउट की थर्ड एक्सरसाइज पे, विच इज रियर डेल्ट फ्लाई। इसमें भी हम फोकस करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन निकालने के लिए और 4 सेट मारेंगे इसके भी। कुछ चीज़ों का इसमें खासकर ध्यान रखिएगा जब भी आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करें। अगेन, वेट पुल नहीं करेगा आपको, आप पुल करेंगे वेट को, और जब नीचे आएंगे रिलीज करेंगे तो आप लेकर आएंगे वेट को नीचे, वेट आपको नीचे नहीं लेकर आएगा। तो जब भी आपकी मूवमेंट अप जाएगी आप लेके जाएंगे, जब नीचे आएगी, बिकॉज होता क्या है कि नॉर्मली वेट की लोड से आप नीचे गिरते हैं, आपके हाथ नीचे गिरते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करिएगा और कम वेट के साथ करिएगा ताकि आपके रियर डेल्ट पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन आ सके। एक और चीज़, जब भी आप अपर मूवमेंट में हो तो इसे 2 से 3 सेकेंड होल्ड करने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रैक्शन आता है इससे। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट और चौथी एक्सरसाइज पे, जो आपको 3D शोल्डर लुक देगी, डंबल श्रग्स। श्रग्स को आप बारबल से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको डंबल से करके दिखाऊंगा। आप इसके भी 4 सेट लगाइएगा। रेपिटेशन इसमें आप अगर हैवी कर रहे हैं तो 10 से 12 रखिएगा, और अगर मॉडरेट वेट रख रहे हैं तो 15 से 20 रखिएगा। एक टिप आपको देता हूं, जो प्लीज ध्यान रखिएगा, शोल्डर आपको ऊपर नहीं ले जाने हैं, पीछे ले जाने हैं। आपको ट्रैप्स को टारगेट करना है, जो मसल आपका नेक से निकल के आपकी बैक और शोल्डर में कनेक्ट होता है, वो आपकी ट्रैप्स हैं। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से करनी है। आइए बात करते हैं अब न्यूट्रिशन की। इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं आप, आपका वर्कआउट का लेवल बढ़ चुका है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्टैमिना बढ़ाना है, इसलिए अब आपको न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्री वर्कआउट क्या लेना है? एक अच्छी कार्ब रिच मील लेनी है, जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन हो और अच्छे कार्ब्स हों, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले इस वर्कआउट के। उसमें ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? आप चिकन सैंडविच ले सकते हैं, आप एग ऑमलेट खा सकते हैं विद ब्रेड ऑब्वियसली, आप ओट मील ले सकते हैं प्रोटीन के साथ, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है पोस्ट वर्कआउट, जहाँ पे आपको प्रोटीन रिच मील चाहिए, वहाँ पे भी अगेन आप ओट्स ले सकते हैं प्रोटीन के साथ, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, एग्स साथ में ले सकते हैं, अगेन चिकन एंड राइस ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं एंड टोफू ले सकते हैं। तो ये सारे वाइड ऑप्शंस हैं आपके पास, बट अपनी कैलोरीज का इंटेक हाई रखिएगा, बिकॉज आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने सीखा कि 3D शोल्डर कैसे बनाने हैं, कौन सी वो 3-4 एक्सरसाइज हैं जो आपको 3D शोल्डर देंगी, और न्यूट्रिशन के बारे में भी हमने बात करी कि प्री वर्कआउट क्या खाना है, पोस्ट वर्कआउट आपको क्या खाना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
एंड ऐसी वीडियोस को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को। और क्या, वर्कआउट करते रहिए और तगड़े होते रहिए।